Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. How's everybody doing? Self-designed dress to dikhana banta hi banta hai, to isliye main dobara aa gayi. I wanted to show you a dress. Main hamesha aap logon ko kehti hu ki zaruri nahi hai ki aap bahut mehenge kapde pehno to wo hi acche lagenge. You can buy cloth from any shop, any regular shop. Different tarah ke kapde milte hain har jagah. जरूरी नहीं है कि वही एक जैसे ही कपड़े पहने, एम्ब्रॉयडरी से भरे हुए ही कपड़े पहने. बट चिकन का जो कपड़ा है दैट इज एक्सट्रीमली इन समर के दिनों में, क्योंकि एक तो उसमें सुराख होते हैं तो हवा आती जाती रहती है, एंड वो कपड़ा खुद भी बहुत प्यारा होता है. कुछ फॉर्मल करने के लिए आई थिंक चिकन इज वन ऑफ द कपड़ा दैट इज वेरी वेरी फॉर्मल ऑल्सो एंड कैन लुक अमेजिंग ऑल्सो. तो यस, टूडे आई एम हियर विद अ सेल्फ डिजाइन ड्रेस. तो लेट मी शो यू द ड्रेस फर्स्ट. इट्स अ सेल्फ डिजाइन ड्रेस. ये चिकन का कपड़ा लिया था मैंने, और मैंने टेलर को कहा कि इसको ए लाइन बनाना है अपने जितना भी बन जाए, क्योंकि चिकन मैंने एक कमीज का ही कपड़ा लिया था, पर मैंने कहा कि बाजू नहीं निकालने तो कोई मसला नहीं है, तो जितना आपसे ए लाइन बनता है आप बना लो. साथ जो पैंट्स का कपड़ा है वो भी मुझे पठानों की दुकानों से मिला था, उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है, नीचे मैंने स्कैलप्स बनवा लिए थे, तो वो मेरी एक फॉर्मल ब्लैक कलर की पैंट्स भी बन गई. इन पैंट्स का कपड़ा जो है ना एक्चुअली कॉटन है, पर इट्स अ वेरी नाइस शाइन वाली कॉटन, तो वो मेरे मुझे पता है कि सिल्क्स के साथ भी चला जाएगा. मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ. ये ए लाइन शर्ट है, इस पे कुछ ज्यादा नहीं हुआ हुआ, बस मैंने बाजू जो है वो नेट लेके उसके बना दिए थे, और साथ मैंने दामन पे, अगर आपको नजर आ रहा हो कि ऑर्गेंजा है विद अ लेस, देन अनदर लेस जो लेदर लेस नहीं होती उस तरह की चौड़ी लेस है, देन द सेम चिकन जो यहां है, एंड देन फिनिशिंग की हुई है एक काली नेट से. तो इतना सा मैंने नीचे की थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ली, और बाजुओं में मैंने नेट की जो दुपट्टा है, ये एक्चुअली मुझे आज मिल नहीं रहा था, वरना मैं उसके साथ भी लुक दिखाती. लास्ट टाइम मैंने उसी दुपट्टे के साथ पहना था, दिस वाज द दुपट्टा, तो मैंने आधा गज ज्यादा कपड़ा ले लिया, और मास्टर साहब को कहा कि फिटेड स्लीव बना दे. सो दिस इज माई जोड़ा, आई वोर इट फॉर डिनर टूडे, एंड आई वोर अजरक बाय केएल की अजरक, जिसके अभी मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ. मैंने पहले भी आपको कहा था एक दिन बताऊंगी. देखिए पीछे से काली है और ये फ्रंट से मरून है. आई लव दिस, तो मैंने आज इसके साथ यही मैच किया और यही मैं पहन कर भी गई. ये नहीं कि मैं आपको दिखा कुछ रही हूँ, बट पहना मैंने कुछ और, बट दिस वाज द वन आई वोर एंड आई लव्ड इट एंड एवरीबॉडी एल्स आल्सो लव्ड द आउटफिट. अब मैं आपको इस दुपट्टे की स्टोरी सुनाती हूँ. ये एक्चुअली जो है ना दुपट्टा नहीं है. मैं अजरक बाय केएल में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अजरक, बेस्ट से बेस्ट क्लॉथ पे दें. तो अजरक जो है ना वो बहुत ज्यादा लोग सिर्फ दुपट्टे लेते हैं, बॉर्डर्स में अच्छी लगती है. मुझे लगता है कि टू मच हो जाता है जब आप कमीज भी दुपट्टा भी और अजरक का कर लो. इसमें ये हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली मैंने और वो जो लड़की है एनी, जो हम मिलकर काम करें, हमने डिसाइड किया कि हम इस तरह की कलेक्शन बनाएं जिसमें दुपट्टा पूरा हो, तीन गज का दुपट्टा हो सिल्क का या पौने तीन गज का, और साथ हम लेसेस दें अजरक की ही लेस. मतलब अगर एक बंदी लेगी ना तो मैंने जैसे ये एक डाई कराया है, तो जिस दुपट्टे में ये वाला स्कैलप होगा उसको हम यहां तक दे देंगे, तो शी कैन यूज दिस वन कमीज के दामन में एंड दिस वन इन द बाजू. इसी तरह अगर कोई काला लेना चाहे तो दे कैन, नो वी विल गिव देम टू लेसेस, बाजू पे लगाने वाली और दामन पे लगाने वाली. उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत खूबसूरत अजरक का सूट मिल जाएगा. अब जैसे मैं ये बनाऊंगी, मैं यहां रहती हूँ ना यार, तो मुझे बड़े इश्यूज होते हैं ट्रैवल करने के और सब कुछ, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी अब तो आई एम गोइंग टू मेक सच ए सूट ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं. ये वाला जैसे बॉर्डर का मैंने मरून कमीज बनाई है, तो मैं ये उसका नीचे वाला बॉर्डर कर लूंगी और ये मैं बाजुओं पे लगा लूंगी, क्योंकि ये इतनी इतनी हम पट्टियां देंगे आपको, दुपट्टा एंड टू पट्टीज, जिससे आप अपना दामन और बाजू बना सकोगे, तो बहुत अच्छी लुक आ जाएगी. काला सूट हो तो काला हो जाएगा, काले के ऊपर भी मरून लगा सकते हैं, मरून के ऊपर भी काला, बट आई वॉज लविंग द कलर ब्लॉक. मुझे तो ये बहुत मजे का लगा, तो आज मैंने इस तरह पहना था, कहीं से काला कहीं से मरून, and I enjoyed the dress. I hope आपको भी पसंद आया. और फिर मैं बहुत से दुपट्टे और भी रख के लाई, क्योंकि मैंने कहा हम लोग जब काला सूट बनाते हैं तो यू हैव टू इनबॉक्स अजरक बाय केएल. केएल का मतलब है खास लिबास. अजरक बाय खास लिबास को आप मैसेज करेंगे और वो आपको बताएंगे प्राइसेस जो भी आप ऑर्डर कर रहे होंगे. अब मैंने सब घर के डिफरेंट दुपट्टे रखे कि मैं आपको उनके साथ भी दिखाऊं और आपको बताऊं कि हाउ अ सूट कैन लुक वेरी वेरी डिफरेंट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ दुपट्टास. तो आई लव दिस दुपट्टा, ये जब मुझे नजर आया तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, आई एम गोना शो यू डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ दुपट्टास. ये जो है ये दुपट्टा मेरे किसी लॉन के सूट के साथ आया था, जो नहीं होते थ्री पीस लॉन सूट्स,
तो कई दफा दुपट्टे मैं नहीं बेचती, आई सेल द सूट्स बट आई कीप द दुपट्टास, क्योंकि वो दुपट्टे बाद में बड़ी चीजों के साथ यूज हो जाते हैं. इट वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस. इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल बिटवीन दिस एंड द अदर वन. अब इस दुपट्टे में भी ना काला काला सा हुआ है कुछ, और कलर भी बहुत मजे के हैं, तो यू नो इट वुड हैव लुक्ड एज नाइस. और आप जब अलग दुपट्टा पहनते हो और कलर वाला दुपट्टा होता है तो सूट एकदम से अलग लगने लगता है. नेक्स्ट वन आई एम गोना शो यू अनदर दुपट्टा. ये मैंने लास्ट ईद पे बनाया था विद अ ग्रीन सूट. तो ये काला, अगर मैं बहुत फॉर्मल करना चाहती तो शायद मैं ये पहन के चली जाती, क्योंकि ये ऑर्गेंजा है और इसमें मैंने किरण लगाई हुई है, वो भी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ. सो दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द कंटेंडर्स. ये भी बहुत अच्छा लगता. और वही बात है कि ये इतना हैवी और इतना लंबा दुपट्टा है कि इसमें मेरे कपड़े नजर आते ही ना अच्छे भी लगते और लुक बिल्कुल डिफरेंट आ जाती. देन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कंटेंडर्स. दिस इज बाय मंटो. वेयर मंटो उनका टैग है. ये कैलीग्राफी करते हैं ऑन कपड़ा एंड इट्स ब्यूटिफुल. अलामा इकबाल की शायरी होती है, फैज अहमद फैज की शायरी होती है, और पता नहीं किस किस की शायरी होती है उनके ऊपर. तो ये भी मैं शुरू में पहले ये सोचती थी कि मैं ये पहनूं, क्योंकि इट वॉज अ सिंपल डिनर एट समबडीज हाउस, तो कैजुअल थिंग वुड हैव लुक नाइस आल्सो. तो मेरी चुनरी वाज आल्सो फाइन, लेकिन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कंटेंडर्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मेरा बड़ा दिल भी कर रहा था पहनने का, बट देन आई वाज लाइक नहीं, इंशाल्लाह लेटर. खाना वो ये दुपट्टा था. ये मेरी टीम में से मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था. आई लव दिस दुपट्टा, इट इज सो ब्यूटिफुल. इतना प्यारा है कि हर दफा हद से ज्यादा प्यारा होने की वजह से मैं कहती हूँ कहीं और पहनूंगी एंड देन आई वोंट एंड अप वेयरिंग इट, बट आई रियली वांट टू वेयर इट वेरी वेरी सून. यस, मैं खुद एक एक प्लेन सूट बना लूंगी रॉ सिल्क का और उसके साथ पहनूंगी, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. तो दिस वॉज वन ऑफ देम. मैं आपको बताती हूँ दुपट्टा पहनने के भी बड़े तरीके होते हैं, जिसकी वजह से आपने जो भी चीज पहनी हो ना वो बहुत हसीन लगने लगती है. तो ये देखिए, ये दुपट्टा शायद इस सूट के साथ ना जाए क्योंकि इसके बटन सिल्वर है. नए नए ही सूट बनाने हैं अभी, हालात अल्लाह माफ करे, डॉलर एवरीथिंग यू नो सारी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं. वी कैन डेफिनेटली टेक आउट थिंग्स फ्रॉम आवर वार्डरोब्स एंड मेक डिफरेंट सूट्स फ्रॉम द सेम थिंग्स आल्सो. ये बहुत सीरियस कंटेंडर था, बट देन आई वांटेड टू वेयर विद द दो कलर वाला था, जिसकी वजह से मैंने आज ये नहीं पहना. ये इस सूट के साथ मैं नहीं पहनूंगी, बट ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूं कि दिस इज ऑल्सो फॉर सेल. बहुत खूबसूरत दुपट्टे मैंने चुनरी के, और ये भी चुनरी है, ये शिफॉन पे नीम जरी कहते हैं इसको, वो हुई भी है और उसके ऊपर फिर मुकेश हुई भी है, और चुनरी का डिजाइन है. क्योंकि मुझे प्यारे लग रहे थे बट मैंने पहने तो मुझे मजा नहीं आया. एक ये था उसमें, ये भी पता नहीं किसी डिजाइनर का था, लॉन का सूट था, मैंने सूट बेच दिया राइट आफ्टर दुपट्टा बिकॉज द प्रिंट वॉज वेरी प्रिटी. चुनरी करा सकते हैं, डिजाइन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. वो काले वाला डिजाइन भी हो सकता है जो रेगुलर चुनरी का होता है, आप इस तरह लाइंस में भी करा सकते हैं, आप इस तरह भी करा सकते हैं. सो वी हैव मेनी मेनी वैरायटी ऑन अजरक बाय केएल. मैं वीडियो के बाद उनका लिंक यहाँ शेयर कर दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको मेरी सेल्फ डिजाइन शर्ट और मेरे दुपट्टे पसंद आए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि हर चीज में बहुत ज्यादा पैसा लगा के जरूरी नहीं है कि आप अच्छे लगो. यू कैन लुक अमेजिंग ऑल्सो इन बजट बाय taking out stuff from your home and wearing it. ये सारे दुपट्टे जो हैं मेरे घर में पड़े थे, मैंने इनमें से कोई नहीं खरीदा. कोई एक साल पहले, कोई दो साल पहले, कोई पांच साल पहले मैंने लिए थे सूट और उनके दुपट्टे. कुछ मैं अजरक बाय केएल का काम शुरू किया उनके दुपट्टे. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज के हाउ यू कैन लुक अमेजिंग विद व्हाटएवर यू हैव एट होम. सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल. खुदा हाफिज़.